कुछ सितारे गर्दिश में ज़ोरदार। और ये मेरा कराची जो सबका ख्याल रखता है, मगर इसका ख्याल कोई नहीं रखता। पाकिस्तान से बाहर मुल्क रहने वाले जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो पाकिस्तान में रह के जा चुके हैं, उनके लिए खुमानी मैं खा रही हूँ। कारगुजारी के मायने क्या है? मैंने आज पुल पर से कार गुजारी। नहीं नहीं, मतलब काम चलाना। अच्छा, वो यूट्यूब चैनल लाइफ स्टाइल विद सुमैया को जरूर सब्सक्राइब करें। जनाब अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मौसम कुछ कदरे बेहतर है, मैं बाहर चल के आपको मौसम दिखाती भी हूँ। और बादलों का राज है, मगर बारिश नहीं है। इंशाल्लाह 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 उम्मीद है कि बारिश हो जाएगी एक आध दिन में। और कई इलाकों में बूंदाबांदी भी हो रही है, तो अब हम उस इलाके में तो नहीं रहते, तो इसलिए हम बूंदाबांदी जो है वो सिर्फ उसकी स्मेल को फील कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। तो नहा वहा लिया मैंने और फ्रेश हो गई। अब हमने जाना है अपने लेज़र सेशन के लिए, वहाँ जाते हैं और फिर इसके बाद क्या करते हैं, कहाँ जाना है और क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सब दिखाते हैं आपको। तब तक के लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करें, अभी बाहर मैं निकल रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ आज का मौसम, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। अरे बूंदाबांदी हो गई। अरे माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है, बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। जी जनाब, तो बूंदाबांदी हुई है, मैंने अभी आप लोगों को दिखाई भी। और ये रखा हुआ है पीछे गोश्त, ये हम देंगे ज़मीर अंसारी पे, जिसकी बनेगी धागे वाली सीख। और अभी बस निकल रहे हैं। ये जो थोड़ी सी बूंदाबांदी है ना, इससे हो जाती है और गर्मी बहुत ज़्यादा वाली। और एकदम ऐसा ही हो रहा है जैसे कोई जले हुए सालन पे आप छींटे डाल दें पानी के, तो जिस तरह का धुआं निकलता है ना, वही गर्मी हो रही है इस वक्त। तो बस अब निकलते हैं और आपको बताते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। जी जनाब, तो हम यहाँ आ गए हैं, गोश्त आपका जायका हमारा। तो ज़मीर अंसारी पे अब यहाँ देते हैं अपना गोश्त और फिर इसकी बनाते हैं धागा बोटी, धागा कबाब, धागा कबाब, गोला कबाब, फ्राई कबाब, बिहारी बोटी, कढ़ाई। तो हम दे रहे हैं धागा कबाब। 3 किलो में कितनी बनेगी? आपको क्या बनवा रहे? धागे कबाब। धागा कबाब बनवा रहे? 3 किलो बनेगा, किलो किलो के बॉक्स बन जाएगा। तो हमारा जो गोश्त है वो 3 किलो था, और 3 किलो यानी 3 बॉक्स बनेंगे, एक एक किलो का धागा कबाब, और 1 किलो 800 रुपये के जी है। तो हमने ये 3 किलो बनने के लिए दे दिया, हमें मिलेगा कल इंशाल्लाह। जनाब आज हमारा सेशन था, है मतलब लेज़र का, तो हम उसके लिए आए हुए हैं। और अभी आपको कुछ मेरे चेहरे पे खुद खुद ग्लो नज़र आ रहा होगा, ये सारा ये उसी क्रीम की वजह से हो रहा है जो मैं 1 वीक से यूज़ कर रही हूँ। तो उससे मुझे अब किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ी, खुद ही बस सिर्फ लिपस्टिक लगाना है और बाहर निकल जाना है। तो वो क्योंकि वो स्किन मेरी बहुत टैन हो गई थी धूप में निकल निकल के, बहुत ख़राब हो गई थी, वो क्रीम बहुत कारामत रही मेरे लिए और मुझे बड़ा अच्छा, देखें सारा सब नीट हो गया, पोर सारे बंद हो गए। तो बस अब हम यहाँ पे लेज़र के लिए आए हुए, लेज़र कराते हैं और फिर आगे चलते हैं, दिखाते हैं। अभी गाड़ी में मैंने एक शेड्स लिए हैं, सिग्नल पे जब हम रुके थे तो मैंने शेड्स लिए, उसकी वजह ये थी क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती हूँ मेरी गाड़ी के जो शीशे हैं वो मैंने उस पर वाइट किया हुआ है, क्योंकि 2 बार तो वो ट्रैफिक पुलिस वाले निकाल चुके हैं कि आपने ब्लैक क्यों किए और फला क्यों। और फिर वैसे भी ब्लैक में मुझे रात में बड़ी तकलीफ़ होती है गाड़ी चलाने में, तो मैंने फिर उसको वाइट ही रखा हुआ था। अभी मैंने शेड्स इसलिए लिए क्योंकि जब भी मैं वीडियो कर रही होती हूँ यूट्यूब की, तो बाकी पीछे से जो इधर उधर से लोग आ रहे होते वो ऐसे देख रहे होते, तब वो ऐसे ना देखें, इसके लिए मैंने ब्लैक शेड्स ले लिए। और अब हमें कॉल आ रही है अंदर से, अब आपको सेशन के बाद ही मिलते हैं। जी जनाब, तो यहाँ पर कुछ लेज़र मशीन के अंदर कुछ इशू आ रहा है, तो इसलिए टाइम लगेगा, आप देखते हैं 5-10 मिनट के लिए इंतज़ार करते हैं, अदरवाइज़ फिर चलेंगे और फिर कल आएंगे। सेशन जो है हमारा आज नहीं हो सका क्योंकि वहाँ पे कुछ थोड़े से इलेक्ट्रिक इश्यूज थे, इसकी वजह से हम बाहर निकले और ये हो गया। ये हमारी गाड़ी है, पार्क है, और यहाँ पे एक गाड़ी वाला गाड़ी पार्क करके जा चुके हैं, अब इसका कुछ हल नहीं हो सकता।
गाड़ी पूरी पार्क है और ये मर गया। दीज काइंड ऑफ चैलेंजेस आर हॉरेबल। जी जनाब, तो हमने लेनी है दवाइयाँ और हम आ गए यहाँ पे भादराबाद पे दवाई के स्टोर पे। एक और चैलेंज है, ये दवाई वाला भी बंद है आज। कुछ सितारे गर्दिश में ज़ोरदार। सोच रही हूँ वहाँ पे जाके ज़रा प्लास्टिक की मार्केट में जाके, वो आलमगीर है सामने, आपको दिखाती हूँ। ये भादराबाद चार मीनार चौरंगी पे सामने आलमगीर स्टोर नज़र आ रहा है। यहाँ पे प्लास्टिक की बर्तन वर्तन हर चीज़ें मिलती है। मैंने अपने पूरे घर की सामान यहीं से लिया, तो सोच रही हूँ यहाँ से छन्नी ले लूँ जाके। ये हमारा कराची। जितने मेरे सारे बाहर वाले व्यूअर्स हैं, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और पता नहीं कहाँ कहाँ से हैं, उन सबको ये दिखाती हैं। बहादुराबाद है। अगर आप कराची के रहने वाले, कराची में रह चुके हैं, तो आपके लिए कि ये बहादुराबाद है और ये चार मीनार चौरंगी है, इसको याद करें, इसको रिमाइंड करें। और ये मेरा कराची जो सबका ख्याल रखता है, मगर इसका ख्याल कोई नहीं रखता। ये देख, ये देख, दिस इज आलमगीर स्टोर, द बेस्ट रेंज, द बिगेस्ट रेंज ऑफ हाउस होल्ड। ये देखिए सारी अंगीठियाँ संगीठियाँ हर किस्म की बेटा। ये वाइपर वीपर डस्टबिन सब कुछ है इनके पास माशाल्लाह। कितनी बड़ी है, फुल साइज। तो मरियम, हम कौन सी लेंगे? ज़रा गहरी वाली हैं, डबल वाली लें? के पास मेरी है ना। चलो ये ले लो, दो ले लो, ठीक है, एक ही वाली ले लो, ये वाली। ये सब चमचे वमचे, फ्राइंग पैन, रेंज ऑफ बॉटल्स, डब्बे, सबसे फेवरेट चीज़ है ये डब्बे। ये मैट्स, इनके पास बहुत वैरायटी है। ओह माय गॉड, ये कूलर, बाल्टियाँ, डस्टबिन, सबके अलग अलग पोर्शंस बने हुए। हाँ जी, खुल गई, खुल गई। इंफ्लोमेटिक्स ले ली हमने अपनी समधन के लिए। हाँ, मेरे लिए भी 200 mg आती है 100। अब ये दवा लेके हम बाहर निकले हैं और यहाँ पे आप ये देखिए सारे बैनर्स लेके खड़े हो गए हैं, तंजीम इस्लामी वाले। और वो स्वीडन का जो मैटर हुआ है के हवाले से, ये लोग रिलीजियस मैटर है, इस मामले पे कोई राय नहीं देंगे। जो कर रहा है अपने हिसाब से सही कर रहा है, अच्छा कर रहा होगा, उसकी अपनी एफर्ट्स हैं। बट तो यहाँ पे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब ये देखिए पार्किंग वगैरह ना रुके ना, बस ये। जी जनाब, तो हम आ गए यहाँ पे फ्रूट श्रूट लेने के लिए। और आज मैंने सोचा कि हम गर्मा ट्राई करते हैं, क्योंकि गर्मा सीज़न का नया, कोई नया नहीं मतलब सीज़न का फ्रूट आ गया। कितने का किलो है? 250 रुपये किलो बाजी। नहीं तो और छोटा, और दो ना। अच्छा, इससे छोटा? हाँ, इतना बड़ा तो कोई नहीं खाएगा। इतना बड़ा नहीं था, मगर 700 रुपए का, यानी कह रहा है वो अपनी मर्जी के रेट, जिसकी मर्जी आए पाकिस्तान में वो रेट बना ले। हाय हाय हाय। चोरी, ये कितना है? ये दे दूँ आपको? ये कितना है? ये आपका कितना हो गया बाजी? 650 रुपए हो गया। क्यों ऐसा खुद ब खुद पैसे कैसे चेंज हो रहे हैं? ये 750 था, 100 रुपए का फर्क आ गया। नहीं नहीं, पहले इसका किलो से सही लगाओ, केजी से ही लगा रहा। जी, 200 किलो लगाओ। 200 बहुत कम हो जाएगा। नहीं सही है, 600 दे दे आप। नहीं, और ये कितना बोला इन्होंने, कितना किलो? 200 का लगाऊंगा तो फिर ये आपका 550 का बनेगा ये। चलो ये दे दो। दे दूं? कितना किलो है ये? 2.5 किलो है बाजी। सही है, फिर भी 2.5 किलो से ज्यादा आपको। और खुबानी, खुबानी मीठी, खुबानी में आपको चेक करो। हाँ, पाकिस्तान से बाहर मुल्क रहने वाले जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो पाकिस्तान में रह के जा चुके हैं, उनके लिए खुबानी मैं खा रही हूँ बाजी। और बहुत बेस्ट गर्म है, उस बात से बेहतर नहीं। ये देखो, ये देखो, नहीं ये छिलके का, सॉरी ये मैंने देखा नहीं है मादर का। और दे दे तो आपको दाना। मरियम ने इसका झोल पकड़ लिया, खराब दाना दे रहा था, बस यही बात है, इसी वजह से तरक्की नहीं कर रहा। ये 400 का बंद रहा बाजी, 2 kg है, सबसे छोटा दाना निकाला, ये देखिएगा। जी जनाब, हम घर आ चुके थे, फिर जल्दी जल्दी से मैंने जो है वो अपने कुछ घर के काम शाम निपटाए
अच्छा मुझे कॉल आई आज हमारे एक बहुत प्यारे भाई हैं रिजवान भाई, रिजवान जैदी, जो कि होते हैं एफएम 91 में, तो आई थिंक 91 ही है, मैं आपको थोड़ा सा रिकन्फर्म करती हूँ, हसन से फिर बताती हूँ। तो हम एक दो बार पहले भी जा चुके हैं, फ्लड के जो मामला थे बलूचिस्तान सिंध में जब फ्लड आया था लास्ट ईयर, तो हम लोगों से अपील करने गए थे कि आप अपनी इमदाद दें हमारी एनजीओ के लिए। तो फिर उसके बाद जो है हम गए थे एक बार रमज़ान पे, जब हम लोगों ने अपनी जो इफ्तारियाँ थी उनके हवाले से, उसके हवाले से हमने जो है वहाँ डिस्कस किया था। तो आज फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी ज़रूरत है एज़ अ गेस्ट, और आप ज़रूर आएँ औरतों के लिए कुछ अच्छी बात, कोई मोटिवेशनल बात, कोई पॉजिटिव बात जो आज के टाइम पे लेडीज़ को, ख़वातीन को हिम्मत दे सके, हौसला दे सके। तो अगर आप मेरे पास विज़िट करें और मुझ मेरे शो में एज़ अ गेस्ट आ जाएं तो क्या ही बात होगी। तो फिर मैंने सोचा कि चलें आज थोड़ा सा टाइम हम उन्हें भी देते हैं और वहाँ पर जाकर पॉजिटिविटी को प्रमोट करते हैं, हौसले को प्रमोट करते हैं, हिम्मत को प्रमोट करते हैं। जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आपके साथ गुजरी हो और उससे आप क्रॉस पार कर 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 के आप अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ बन गए या कुछ पा लिया आपने और वो चीज़ आपने किसी और के अंदर डाल दी, वही हिम्मत वही हौसला, तो फिर इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तो फिर अब हम निकलते हैं, जल्दी से करना है मुझे चेंज, तो करते हैं एक छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन। ज़ारा चाय बना रही है और वो भी मेरे साथ चलेंगी, तो क्योंकि उसको भी मैंने दिखाना है कि, और आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि एक्चुअली रेडियो स्टेशंस होते कैसे हैं और किस तरह से हम ऑन एयर आते हैं और फिर क्या होता है, तो वो भी दिखाते हैं। बस करते हैं एक छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन और मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक की। जी जनाब, तो हम रेडी शेडी हो चुके हैं और बस अब निकलते हैं और आपको वहाँ पहुँच कर बताते हैं कि रेडियो स्टेशंस कैसे होते हैं, किस तरह से वहाँ पे जो है बात की जाती है, क्या सिलसिले होते हैं और वहाँ पे क्या बात होने वाली है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो फिर चलते हैं, मुलाकात करते हैं वहीं पे। जी जनाब, तो हम जा रहे हैं FM 105। ज़ारा मेरे साथ है, हसन मेरे साथ है, मैं अपने साथ हूँ, सब वहाँ की रवानगी है। क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होता है। रात 10 से 11 का शो है, उनके जो शोज़ होते हैं वो बड़े मज़े के होते हैं, उसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती हैं। जी जनाब, तो FM का दौर जो है वो ख़त्म हो चुका है अब हमारी गाड़ियों में हम FM नहीं सुनते। पहले मुझे याद है अपने वक्तों में हम बैठते थे और FM सेट होता था, अपनी मर्ज़ी के चैनल को ट्यून करते थे, दो तीन चैनल्स थे, FM 100, FM 91, FM 105। तो वो जो है अब हम नहीं सुनते, अब हमारे पास मोबाइल आ गया है, मोबाइल का दौर आ गया है, अब हमने ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है, अपने पसंदीदा जो भी सॉन्ग हो वो सुनना है और बस। तो ये भी है और दूसरा बहुत सारे ऐसे काम हैं, कारोबार है जो मीडिया और सोशल मीडिया की वजह से ठप हो गए और हो भी रहे, जिसमें एक सबसे मुझे याद पड़ता है न्यूज़पेपर का दौर। न्यूज़पेपर जब हम सुनते पढ़ते थे हमारे घर में, जब मैं बच्ची थी तो मुझे याद है कि 4 से 5 न्यूज़पेपर आते थे जिसमें 2 इंग्लिश होते थे, डॉन द न्यूज़, जंग, जसारत और पता नहीं कौन से और न्यूज़पेपर, और साथ साथ में आते थे 2 रिसाले हम बच्चों के लिए, तो फिर वो हम देते थे। एक अखबार जहाँ होता था हमारी अम्मियाँ मंगाती थी और वो हफ्ते में एक बार आता था, और नौ निहाल और इस तरह के रिसाले आते थे ताकि हम सब कज़न्स जो थी उनमें वो तकसीम होते थे, सबको एक एक दिन दो दो दिन मिलते थे और फिर वो हम चलाते थे। और कौन कौन से काम ख़त्म हुए हैं, अभी मैंने कल एक लेडी से बात की, उसने मुझसे कहा कि हमारा सैलून का काम जो है ना 50% ख़त्म हो चुका है एस्थेटिक्स की वजह से, क्योंकि अब लोगों के पास बड़े हल आ गए। उस हल में जो है वो ये है कि अगर आप लेज़र करा रहे हैं तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप थ्रेडिंग और वैक्सिंग पर जाएं, और अगर आप बाकी और बहुत से सारे, मतलब जब आप लेज़र करा रहे होते हैं तब आपको फेशियल और किसी भी ब्लीच और किसी भी पॉलिश इन सब चीज़ों से मना किया जाता है। तो पहले तो ये ख़त्म हुआ लेज़र की वजह से, थ्रेडिंग वैक्सिंग वगैरह सब ख़त्म हो गई। हाइड्रा फेशियल्स वगैरह नॉर्मल सैलून्स में नहीं होते, वो होते हैं एस्थेटिक में, तो वो उस तरह से वो भी काम ख़त्म हो गया। अब सिर्फ इनके पास मेकअप रह गया है, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप और हेयर स्टाइलिंग। तो अब साल 2-3 साल में मेरा ख्याल है
ये थ्रेडिंग और वैक्सिंग वाला सिलसिला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको बॉडी वैक्स वगैरह ये सब 25-30 हज़ार रुपये में मिल रहा है तो फिर वाई नॉट कि आप वही करें जिससे आपकी हमेशा के लिए जान छूट जाए। तो बस अब हम पहुँचने वाले हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ पहुँच के। इस चैनल पे हम कुछ ही देर में आएंगे। जी तो हम लोग यहाँ पे FM 105 में वेट कर रहे हैं। 10 बजे हमारा शो स्टार्ट होना है। ज़ारा मेरे साथ है और हसन क्या कर रहा है मैं दिखाती हूँ आपको। ये है हमारे प्यारे भाई रिजवान भाई, रिजवान जदी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वाले सलाम, कैसे हैं? खैरियत से ठीक ठाक हैं? एक प्यारा सा शेर सुना दे। एकदम से नहीं आते यार। और जो कोई याद आएगा तो बड़ा अचानक से आ जाए वो सबसे अच्छा होता है। हाँ, एकदम से आएगा। जो आएगा या तो कोई दिल जला आएगा तो फिर फायदा नहीं, आपका वीलॉग खराब होगा। नहीं नहीं, हमारे वीलॉग वाले सारे दिल जलेंगे। हसन ये क्या कर रहे हो तुम? रिजवान भाई को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा हमें भी ले लें। इससे तो माइक वाइक भी लगा लिए। क्या चाह रहा है ये? क्या एंट्री देना चाह रहा है इस प्रोग्राम में? शुरू की है जी हमने। उसका बुनियादी मकसद क्या है? बुनियादी मकसद ये पॉजिटिविटी फैलाना। अच्छा। अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस जो मैंने लिए वो लोगों के साथ शेयर करना, ताकि अच्छे एक्सपीरियंसेस वो उससे अच्छाई सीखे और बुरे एक्सपीरियंसेस को वो ना यूज करें, उससे बचे। और आज हम आपके पास आए हैं तो एक शेर सुना दें। अच्छा, एकदम से याद आया, अच्छे एक्सपीरियंस और बुराने एक्सपीरियंस के। ले मेरे तजर्बों से सबक ए मेरे रकीब, 2-4 साल उम्र में तुझसे बड़ा हूँ मैं। ओह हसन क्या बात है। मतलब ये आया क्यों है? पहले तो ये बताओ, आया क्यों है? मैं आज तुम देखो, मैं बताता हूँ, आज तुम्हें पेट भर के ना सुलाया ना मैंने बेटा, तुम फिक्र ना कर, बड़े भूखे नहीं सोएंगे आज, देखो पेट भर के सोएंगे आज। तो ये है, इस तरह का स्टूडियो होता है, यहाँ पे इस तरह माइक रखा हुआ होता है। जब स्टार्ट होगा तो हसन ये पहन लेगा ताकि उसके कान में कोई आवाज़ ना जाए सिवाय उसकी आवाज़ आए। बिल्कुल है ना, कोई और ना जाए, किसी और की आवाज़ ना आऊंगा तो ये सारा जो है, इसको क्या कहते हैं? ये कंसोल है हमारा। और काफी मतलब है उस हिसाब से कदीम कंसोल, लेकिन अमेरिका ने तो इसीलिए तक चल रहा है, 16 साल से तो मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूँ। मतलब एंटीक पीस है। हाँ नहीं, क्योंकि अब वो जो कंसोल है वो रिवर वगैरह दूसरा होता है, ये प्योर ब्रॉडकास्टिंग का कंसोल है जिसके अंदर इको नहीं होता, आपका जो फ्लैट है ये कंसोल जो है वो। और इसमें आप कहाँ से आवाज बंद करते हैं? ये रहे, ये इसके फेडर है। ये इसके फेडर आवाज तो अभी तो हम ओनर से ले आएंगे ना, इसलिए हम नहीं कर सकते ट्रांसमिशन। ये असल में कहने का मतलब है, अगर हमें अपनी PFL होता है या मास्टर पीस पे हमने ये दबा के अभी हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये ऑन एयर सारी माइक चलेगी। तो सारा ये बड़ा ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि हम आम जिंदगी में जितने बेतकल्लुफ होते हैं, ऐसा ना हो कि फेडर खुला रह जाए और माइक तो किसी का लिहाज। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं जनाब, FM पे आप अभी तक हैं कितने सालों से? 16 साल। 16 साल से हैं, आपको ऐसा नहीं लगा कि ये दौर अब FM का नहीं रहा आपके हिसाब से? है नहीं है? देखिए, FM का दौर तो रहेगा, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि एक ये मुफ्त एंटरटेनमेंट है ना, कि लोगों के हत्थे जो चढ़ी है मुफ्त एंटरटेनमेंट है। बाकी आप अगर चाहे वो इंटरनेट की रील्स देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, उसके लिए भी आपको इंटरनेट पे तो पैसा खर्च करना है ना। मतलब हमारे बच्चे तो पता ही नहीं है उनको FM अब ट्यून करना है। आज की पौध को तो बहुत कुछ नहीं पता ना, शुद्रे बे महार की तरह चले चले जा रहे हैं। बहरहाल ठीक है, लेकिन शुद्रे बे महार पता किसे कहते हैं? और उसका मतलब है जिंदगी के पहिये पे, मतलब जो आ रहा है उसको देख के। अच्छा अच्छा, अब इसकी यही के पहले तो गलत बताया और उसमें डिटाई है कि तुम तशरी भी कर रहे हो, इसको डिटाई कहते तो उसको बहुत कुछ भी है, लेकिन वीलॉग का मैं भी कुछ लिहाज कर रहा हूँ। लेकिन रेडियो की अपनी अहमियत है, और है अभी भी है, बिल्कुल अहमियत आपको इतना फीडबैक। रेडियो में बताऊँ, रेडियो अंदर होता है आपके, और ये सिर्फ कैथारसिस है और इसमें कोई दो राय नहीं। अगर
रेडी नहीं होता मेरी जिंदगी में, तो शायद ये 3-4 नसें तो फट चुकी होती हैं। आपको ऐसा लगता है कि अपने दिल की जो सारी बातें वो रेडियो में, दिल की बातें तो नहीं की हमने कभी भी रेडियो पे बैठ के, वो दिल की बातें कर नहीं, नहीं मतलब जो आपके जहन में आ रहा है, दिल की बातें करने में बखत ने रेडियो आज तक सुने ही ना, ये अच्छा था। तो नहीं दिमाग की बातें कर दी होंगी। हाँ दिमाग की तो बत्तियां बड़ी जलाई बुझाई सब चीज अभी तक चल रहे हैं, लेकिन रेडियो इतना आसान नहीं है। हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि जिसको परवरदिगार ने कुव्वत गोयाई से सरफराज कर रखा है वो रेडियो कर सकता है, ऐसा नहीं है। अच्छा एक बात, जिस जो खूबसूरत होता है उसकी आवाज बहुत अच्छी नहीं होती, और जिसकी आवाज बहुत खूबसूरत होती है वो दिखता इतना अच्छा नहीं, ये बात में हकीकत है मेरे बारे में? तो मैं कहता हूँ पहले देख लो उसके बाद सुनना। नहीं मैं लड़कियों की बात नहीं, देखिए असल में देखिए जो भी दुनिया है ना ये फैंटेसी की है। रेडियो अब फेसबुक पर लाइव हो गया लेकिन ये फैंटेसी की ही दुनिया है कि अच्छा देखिए बात क्या है कि अगर कोई हमको देखने के बाद बोले हाय अल्लाह तो हमको भी तो देखने के बाद ये होगा अल्लाह अल्लाह तुम सुनती थी, वाइस वर्सा है ना, ये भी दूसरा बहुत अच्छा था, वाइस वर्सा है ना भाई, ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ अल्लाह ने हम ही को ऐसा, भाई देखिए 24 करोड़ के इस मुल्क में तकरीबन 23 करोड़ 95 लाख इस मुंह के हैं, अब खूबसूरती कहाँ से ढूंढेंगे आप, पहली बात ये ना। और दूसरा एक और मसला क्या है कि एक जमाने में खवातीन के लिए हसीन इस्तेमाल होता था तो मर्दों के लिए वजाहत इस्तेमाल होता था, अब जब आप लड़कों के लिए लफ्ज हसीन इस्तेमाल करने लगेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, तो फिर इसी तरह। मगर रिजान भाई जब एक जमाने में जब हमारा टाइम था जब हम बच्चे थे, मैं बच्ची थी या बच्चे पहले तो बता, जब मैं छोटी थी और जब सुनती थी तो मतलब 14-15 साल में ये सुना था कि भाई एक लड़का जो है वो FM सुनने वाली लड़की पे फिदा हो गया, उसकी आवाज इतनी प्यारी थी, जब उसको जाके देखा तो उसकी चीखें निकल गया, ऐसा कुछ। ये तो हर दौर में रहा है ना, ये तो हर दौर में रहा है कि जिस तरह वो एक बड़ा मशहूर इश्तिहार भी था ना तेरी मेहरबानी वाला, कि लड़की बड़ी खूबसूरत जब उसने तेरी मेहरबानी कहा तो लड़का भागी। देखें ये मसला क्या है, किसी ने अगर फैंटेसाइज की है आपकी आवाज को तो कसूर उसका है ना भाई, सही बात, तखयल तो उसका है ना। तो मैं ये आज से नहीं तकरीबन 8-10 साल पहले जब से फेसबुक इन हुआ था कि मैं भाई पहले देख लो उसके बाद सुनना शुरू करना, बात की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, तो ये वाली बात है। खैर कभी इस बुनियाद पे रहा भी नहीं, लोगों ने बहुत आवाज से पहचाना, अल्लाह का बड़ा करम आसान है कि कई जगह ऐसा हुआ कि मैं खड़ा हूँ मैं बात कर रहा हूँ तो पीछे से किसी ने नॉक किया रिजवान जैदी है, तो उस वक्त फेसबुक नहीं था लेकिन लोग पहचान गए माशाल्लाह। कुछ लोग ऐसे बदबख्त हैं जो साथ भी रहे और ना पहचान सके, नजर कौन नहीं किसने नहीं पहचाना है। वापसी पे तुम देखो तुम्हारे साथ क्या करना है, जो उर्दू की तुमने एक नई उर्दू मुरत्तब की, ये वही है ना कारगुजारी के मायने के, मैंने आज पुल पर से कारगुजारी, नहीं नहीं मतलब काम चलाना, अच्छा वो कनात पसंद, मैं अपनी पसंद की कनात लेकर आ गया। कौन सी वाली कनात, वो दावत वाली? मतलब ही मैं जूता मारूंगा उठा के, अभी इंग्लिश होती तुमको सही आती सारी है, ये उर्दू का हाल किया ना। अरे आज अभी तो इस हाल को पहुँचे चाचा है? चाचा जो है वो नहीं ताया 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 चाचा नहीं घर में अब्बा आ ताया जो है वो उर्दू में मास्टर है, और उनका जो भतीजा है वो माशाल्लाह माइनस में चला गया है, सामने ताया एक्सपीरियंस है तो उनके सामने कौन सा मतलब इसमें एक्सपीरियंस की आवाज है, बहुत सारे जदीद, तुम ऐसा करो लिखो लोगों को समझाने के लिए, 60-70 साल का एक्सपीरियंस है उर्दू में, 14 साल का ये जागा, ये 60-70 साल किसको बोल रहे हैं, जागा वो मुझे बोल रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह तो काउंट भी नहीं किया इसमें। ज़ारा आर यू एंजॉयिंग? यस, वो तो बिल्कुल ऑफ चल रही है ना, कहाँ लेकर आ रही, ये क्या कर रही है बिटिया, पढ़ रही है स्टार्टिंग करेंगे सदर से मुलाकात करने शो स्टार्ट होने के बाद, तो हम बहुत सारी बातें करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सुमैया रईस साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं रिजवान भाई? मैं खैरियत साहब, बताएं, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वक्त निकाला इस प्रोग्राम के लिए, कि आपने हमें बुलाया, हम तो मेहमानों को ढूंढते रहते हैं, कोई आता नहीं है रेडियो पे, जब से ये टिकटॉकर जो है वो स्टार बने तो लोगों ने, हाँ ठीक है हर दौर का एक चलन होता है मिजाज होता है इसमें कोई ऐसी दो, खुश आमदीद कहते हैं, और 111-000-105 पर हमारे साथ मौजूद हैं अबरार, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अबरार, खैरियत से ठीक ठाक हैं, क्या कर रहे हैं आप ये बताएं, प्रोग्राम में आपने कॉल तो किया, अब ये बताइए क्या प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कुछ सुनाएंगे क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल अर्ज कीजिए, अल्लाह खैर करे, अच्छा
आपको पूरा यकीन है ये शेर सुना है? ये आपको पूरा यकीन है? मैं आपने तो सुना दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बाकी इसका दीवान जो है मैं जारी करूंगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है? चले, आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हंसते मुस्कुराते रहे, अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, और मेरे YouTube चैनल लाइफस्टाइल विद सुमैया को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें। सबसे पहले चेंज अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए, जो कि मैंने अपनी बच्चियों के अंदर, मेरी माशाल्लाह दोनों बेटियां हैं, उन लोग के दोनों के अंदर मैंने ये चीज़ जो है ना वो इंजेक्शन लगा दिया मैंने कि इंशाल्लाह 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 जिंदगी में, जिंदगी के किसी मुकाम पे जहाँ तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ खड़ी नहीं हो तो तुम लोग को खड़े होकर दिखाना है। वो सारी चीजें जो हम अपनी बच्चियों को नहीं सिखाते हैं, हम अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देते इस डर से कि हाँ ठीक है हालात खराब है, उनका ख्याल रखें, कोशिश करें कि उनके साथ जाएं, मगर उनको थोड़ा सा अकेले चलना भी सिखाएं, हालात से लड़ना भी सिखाएं। बहुत सारी चीज़ों में हमारी बच्चियों को आजकल ये नहीं पता कि ट्रांजैक्शन कैसे होती है, डिपॉजिट कैसे होता है, क्रेडिट डेबिट ये सब बैंकिंग के मामला ये सब कुछ क्या होते हैं वो सिखाएं। नहीं, घर में बैठी बच्चियां हैं जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो है ना कंप्यूटर और लैपटॉप में सिर्फ गाने सुन रही हैं। देखिए मैं कह रही हूँ, मैं खुद ये काम कर रही हूँ, मैं खुद टिकटॉक देख पे हूँ, मैं खुद यूट्यूब के चैनल चला रही हूँ, मगर हम कुछ ना कुछ चीज़ दे रहे हैं, हम कुछ ना कुछ चीज़ पास ऑन कर रहे हैं। तो आप लोग वो माएं जो है उनके अंदर होना चाहिए कि सिवाय उनको सालन बनाना सिखाना है या कीमा बनाना सिखाना है, ये सारी चीजें सिखानी है, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें सिखा के दूसरे घर भेजें, हालातों का कोई पता नहीं है, जिंदगी किस करवट मोड़ ले पता नहीं है, तो प्लीज अपनी बच्चियों को बहादुर बच्चियां बनाएं ताकि वो एक बहादुर माँ और बहादुर औरत बनकर सामने आए इंशाल्लाह। और बस न्यूज ब्रेक है, और न्यूज ब्रेक के बाद आपसे फिर हमारी मुलाकात होती है, ये प्रोग्राम जारी रहेगा। आ चुके थे और जब हम घर आए तो हमारे बच्चों ने हमें ये याद दिला दिया कि बहुत सारे कामों के साथ साथ आप माँ हैं तो आपने हमें खाना भी देना है। तो बस फिर जल्दी जल्दी हमने सोचा कि हम शॉर्टकट कढ़ाई बना लेते हैं जैसे उस दिन बनाई थी। तो अब आपसे मुलाकात होती है मेरी कढ़ाई बनाने के बाद टेबल पे इंशाल्लाह। जी जनाब, तो ये हलीम है, अभी आया है कहीं से, किसी के घर से। तो ये जो है हमने इस पर चाट मसाला डाला और नींबू डाला और अब हम खाएंगे उसको, चखते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे सलामत रखे, सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रखे, खुश रखे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल के ब्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी और कमेंट्स का आपका इंतज़ार रहेगा। सब्सक्राइब करते रहें चैनल को ताकि इसी तरह ग्रोथ बढ़ती रहे, हम ब्लॉग्स नए नए लाते रहें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।